हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड डी आर 80 mm अपार्ट। अ पॉइंट एम इज मूविंग इन अ प्लेन ऑफ टू फिक्स पॉइंट्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 120 mm। ड्रॉ द कर्व एंड नेम इट। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कौन सा कर्व ड्रॉ करना है वो चेक करेंगे, कौन से मेथड से ड्रॉ करना है वो डिसाइड करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में दिया है टू फिक्स पॉइंट्स आर 80 mm अपार्ट। टू फिक्स पॉइंट्स इसका मतलब वो होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो यहां पे टू फिक्स पॉइंट्स तो हम यहां पे ले लेंगे। ये देखिए टू फिक्स पॉइंट्स फिलहाल हम आपको रफ में बता रहे, बाद में हम आपको फेयर में बताएंगे। ये देखिए टू फिक्स पॉइंट्स ये हमने ले लिए, ए एंड बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 80 mm है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है अ पॉइंट एम इज मूविंग इन अ प्लेन ऑफ टू फिक्स पॉइंट्स इन सच ए वे दैट, आगे का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 120 mm, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट एम है जो कि ये टू फिक्स पॉइंट्स के प्लेन में ऐसा मूव कर रहा है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स वो कांस्टेंट है और 120 mm है। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहां पे ये इस तरह से इलिप्स होगा, ये देखिए ऐसा इलिप्स होगा, ये कंफर्म है, और ये जो टू फिक्स पॉइंट्स का प्लेन है ये देखिए, ये हम ऐसा फिलहाल रफ में बता रहे, पूरा समझ लो आप। तो ये जो है ये देखिए टू फिक्स पॉइंट्स के प्लेन में यहां पे एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। चलो मान लो यहां पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट है, वो पॉइंट है पॉइंट एम, और क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पॉइंट से ये टू फिक्स पॉइंट्स की तरफ जो डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस का एडिशन जो है वो 120 mm होगा, ऐसा दिया है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट, अगर आप ये पॉइंट ए से ज्वाइन कर लेंगे और अगर ये पॉइंट आप पॉइंट बी से ज्वाइन कर लेंगे, तो देखो हमने टू फिक्स पॉइंट से ये पॉइंट एम ज्वाइन किया है, तो ये जो लेंथ है ये है L1 और ये जो लेंथ है ये है लेंथ L2। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों का जो एडिशन है वो 120 mm है, इसका मतलब L1 प्लस L2 ये 120 mm दिया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अब क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द कर्व एंड नेम इट, हमें एक कर्व ड्रॉ करना है। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि ऐसे में आपको इलिप्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इलिप्स का डेफिनेशन और उसकी क्या स्पेशलिटीज है वो हमने इसके पहले के वीडियोस में भी बताए थे, चलो एक बार आपको फिर से रिवाइज करके यहां पे दे देते हैं। देखो इलिप्स जो है, इलिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये इलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस, ठीक है, और यहां पर टू फिक्स पॉइंट्स होते हैं। यहां पे एक पॉइंट है वो है F1 और यहां पे एक पॉइंट है वो है F2। यही टू फिक्स पॉइंट्स को फोकस कहते हैं, फोकस कहो या फोसाई कहो। यहां पे जो टू फिक्स पॉइंट्स दिया है A एंड B, ये दोनों यही फोकस F1 एंड F2 है, ठीक है। और इलिप्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि इलिप्स में कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो, इलिप्स के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लो, चाहे तो यहां लो या यहां लो या यहां लो, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। तो हमने यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी अगर आप ये फोकस F1 और F2 से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जो लेंथ है L1 और ये जो लेंथ है L2, ये दोनों लेंथ का एडिशन हमेशा मेजर एक्सिस होता है। ये रूल है इलिप्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको पता है तो आप कोई भी टाइप का इलिप्स का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे रूल के अकॉर्डिंग लेंथ L1 प्लस लेंथ L2 ये क्या होता है, हमेशा मेजर एक्सिस होता है। इसका मतलब ये जो मेजर एक्सिस है यहां से लेके यहां तक, देखो ए बी हमने इसको नाम दे दिए ए बी, तो ये मेजर एक्सिस का लेंथ उतना ही रहेगा जितना L1 और L2 का एडिशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली ये जो रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही रिलेशन का यूज करके अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में यहां पे क्या दिया था, क्वेश्चन में यहां पे दिया था सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 120 mm। इसका मतलब सम ऑफ इट्स डिस्टेंस यानी ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी, इसका मतलब L1 और L2 ये दोनों का एडिशन कितना दिया है, 120 mm दिया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें मेजर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है कितना, 120 mm। तो फाइनली ये कंफर्म है कि हमें मेजर एक्सिस का लेंथ मिल गया, हमें टू फिक्स पॉइंट्स फोकस F1 F2 के बीच में का लेंथ भी हमें पता है, और ऐसे में अब हमें कर्व ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो यहां पे कौन सा कर्व बनेगा, तो यहां पे जाहिर सी बात है
एलिप्स बनेगा बाय द डेफिनेशन जो हमने बताए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिप्स ही बनेगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी एलिप्स ऐसा वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे एलिप्स बनेगा। लेकिन अगर एलिप्स बनेगा तो एलिप्स कौन से मेथड से ड्रॉ करना है वो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए फोर मेथड होती है। सबसे पहला है एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, सेकंड है एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, थर्ड है एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड एंड फोर्थ होता है बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। तो ये चार मेथड में से यहाँ पे कोई भी टाइप के मेथड का नाम दिया हुआ नहीं है, तो हम एक काम करेंगे फिलहाल इसको आर्क ऑफ सर्कल मेथड से ड्रॉ करेंगे। वैसे आप कोई भी मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जाम में अगर मेथड नहीं लिखा है तो ये आपका चॉइस है कि आपको कौन से मेथड से ड्रॉ करना है। फिलहाल हम यहां पे इसको आर्क ऑफ सर्कल मेथड से ड्रॉ करेंगे। आर्क ऑफ सर्कल मेथड से ड्रॉ करने के लिए हमें बस एलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता होना चाहिए। ऐसे में हमें एलिप्स का मेजर एक्सिस पता है 120 mm और माइनर एक्सिस फाइंड आउट करना काफी आसान है। चलो फाइनली अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पहले मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर एलिप्स बनाएंगे बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने यहाँ पे अब फेयर वर्क स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, टू फिक्स पॉइंट्स यहाँ पे शो किया है। टू फिक्स पॉइंट्स के बीच में लेंथ दिया है क्वेश्चन में 80 mm। तो ये देखिए ए और बी के बीच में ये जो हमने लाइन बनाया है ये है 80 mm का, और अब हमें यहाँ पे मेजर एक्सिस शो करना है। मेजर एक्सिस कितना है 120 mm, तो वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो 120 में से 80 mm हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। देखो 120 माइनस आपको 80 करना पड़ेगा, 120 माइनस 80 क्या हो जाएगा 40 mm हो जाएगा। तो 40 का हाफ इसका मतलब 20 mm आपको A से इधर एक्सटेंड करना है और हाफ 20 mm आपको उधर एक्सटेंड करना है, तो टोटल आपको 120 mm का लेंथ जो है वो मिल जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे A के लेफ्ट साइड में 20 mm एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये हमने एक्सटेंड कर लिए। और अब उसी तरह से B के राइट साइड में भी हम 20 mm यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे, तो उससे हमें टोटल मेजर एक्सिस मिल जाएगा। ये देखो हमने एक्सटेंड कर लिए और इसको हम नेमिंग दे देंगे PQ। तो ये हमने मेजर एक्सिस का नाम दे दिए, दैट इज PQ। और अब हमें माइनर एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो माइनर एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो वे है, या तो आप कंपास का यूज करेंगे, कंपास का यूज करके आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट लेके माइनर एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, या तो दूसरा तरीका यह है कि आप सीधा सीधा मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और उसका यूज करके आप माइनर एक्सिस फाइंड आउट करो, चॉइस आपका है। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कंपास का यूज करेंगे। तो कंपास का यूज अगर करना है तो कंपास में हम क्या करेंगे, ये देखो कंपास में हमने 60 mm का लेंथ ले लिए जो कि मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ है। तो मेजर एक्सिस PQ जो कि 120 है उसका हाफ लेंथ 60 mm ये हमने कंपास में ले लिए। और अब क्या करना है, कंपास का सेंटर आपको एंड ए और एंड बी पे रखना है, ठीक है, और ऊपर नीचे क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये हमने कंपास का सेंटर ए पे रखे, ऊपर एक आर्क बना देंगे और उसी तरह से नीचे भी एक आर्क बना देंगे, ठीक है। और अब कंपास का सेंटर हम क्या करेंगे, एंड बी पे यहाँ पे रखेंगे और जो ऊपर आर्क बनाए थे वो आर्क पे आपको कट करना है, तो आपको क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो ये देखिए ये हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया ऊपर और नीचे, बस ये दोनों को ज्वाइन कर लो। तो ये देखिए हमने माइनर एक्सिस बना दिए हैं और इसका नाम हमने यहाँ पे दे दिए आर एस, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अब एलिप्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, क्योंकि हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मिल चुका है। और अब आर्क ऑफ सर्कल मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, ये ए से लेके, ये देखिए ये जो पॉइंट है हम इसको ओ कहेंगे, ए से लेके ओ का जो लेंथ है इसको हम डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये पूरा चॉइस आपका है। ए से लेके बी का लेंथ है 80 mm, तो ए से लेके ओ का लेंथ है 40 mm। हम एक काम करेंगे इसको यहाँ पे फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोर पार्ट में डिवाइड करना आसान रहेगा। आप चाहे तो फाइव पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर पार्ट में डिवाइड करो या फाइव लो या सिक्स लो, ये पूरा चॉइस आपका है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसको रैंडमली डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स होना जरूरी नहीं है, आप इसको अनइक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सिर्फ एक ही साइड में डिवाइड करना है, इधर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक साइड में डिवाइड करेंगे तो भी आपका एलिप्स आसानी से बनता है। चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको फोर नहीं फाइव पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे और एलिप्स काफी अच्छा बन जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको फाइव पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्केल से इक्वली पार्ट में डिवाइड करना जरूरी नहीं है, हम इसको रैंडमली डिवाइड कर लेंगे। वन टू थ्री फोर, यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे, ये वन, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट,
ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, ठीक है। इस तरह से ये हमने टोटल यहाँ पे इसको फाइव पार्ट में डिवाइड कर लिए। और अब हम एक काम करेंगे, अब हम कंपास लेंगे, कंपास का यूज करके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आर्क ऑफ सर्कल मेथड है तो जाहिर सी बात है हमें आर्क ड्रॉ करना जरूरी है। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए देखो आर्क कौन सा पहले और बाद में ड्रॉ करना वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। आपको सबसे पहले पी वन का लेंथ कंपास में ले लेना है, देखो पी से लेके वन का लेंथ, ठीक है। फिर आपको P2 का लेंथ ले लेना है, फिर P3 का लेंथ लेना है और फिर P4 का लेंथ लेना है। P1, P2, P3, P4 ये लेंथ लेके आपको कंपास का सेंटर A और B पे रखते हुए आर्क ड्रॉ करना है। उसी तरह से Q1 का लेंथ लेंगे, फिर Q2 का लेंथ लेना है, फिर Q3 का लेंथ लेना है और फिर लास्ट में Q4 का लेंथ लेना है। और फिर से ये लेंथ लेके कंपास का सेंटर A और B पे रखते हुए जो आपने पहले आर्क ड्रॉ किए थे उसके ऊपर क्रॉस करना है। तो देखो यहां पे कैसे होता है, तो हम यहां पे वन बाय वन सब कर लेंगे। तो सबसे पहले हम P1 का लेंथ कंपास में लेंगे, देखा P यहां पे है, 1 यहां पे है, तो ये हमने P1 का लेंथ कंपास में ले लिए। और अब जैसा हमने कहा था कंपास का सेंटर हमें A पे रखना है और आर्क ड्रॉ करना है, तो ये हमने ऊपर और नीचे इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है। और एक बात ध्यान में रखो, जो आप आर्क बनाएंगे वो आप फेंट बनाएंगे, फेंट ड्रॉ करने के लिए आप फेंट पेंसिल का यूज करो। कंपास में जो आप पेंसिल लगाओगे वो फेंट पेंसिल लगाओगे, 4H नंबर का पेंसिल आप यूज कर सकते हैं, काफी फेंट होता है वो। तो ये P1 का लेंथ हमने कंपास का सेंटर A पे रखते हुए ऊपर नीचे आर्क बना दिए, सेम लेंथ P1 का लेंथ कंपास का सेंटर हम यहां B पे रखेंगे और फिर से ऊपर और नीचे इस तरह से आर्क बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हमने P1 का लेंथ लेके बनाया और अब P2 का लेंथ लेना है, P से लेके 2 का लेंथ, जैसा हमने कहा था P1, P2, P3, P4, तो ये P2 का लेंथ हमने कंपास में लिए। फिर से कंपास का सेंटर फिर से A पे रखना है और फिर से ऊपर और नीचे इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है बिल्कुल फेंट, और इतना ही लेंथ अब हम कंपास का सेंटर B पे रख देंगे और फिर से हम ऊपर और नीचे इस तरह से आर्क बनाएंगे और आर्क आपको फेंट ड्रॉ करना है। चलो इसी तरह से अब P3 और P4 के लिए भी हम यहां पे आर्क बना लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने P1, P2, P3, P4 ये लेंथ का यूज करके इस तरह से हमने आर्क बना दिए। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, जो हमने आर्क बनाया है ऊपर के वो देखो ऐसे वो राइट साइड में जा रहे हैं और यहां पे इधर के आर्क जो है वो ऐसे लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, यहां पे भी उसी तरह से है वो, इसीलिए क्योंकि हमें यहां पे एलिप्स के पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो यहां पे पॉइंट्स मिलने वाले हैं इसलिए आपको आर्क जो है वो इसी तरह से ड्रॉ करना है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज Q1, Q2, Q3, Q4 और फिर से A और B पे रखते हुए हमें यहां पे आर्क के ऊपर क्रॉस करना है। तो चलो सबसे पहले हम Q1 का लेंथ कंपास में ले लेंगे, Q से 1, देखो Q यहां पे है और 1 यहां पे है। नंबर ऑफ बुक्स में हमने चेक किया है, इधर भी डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी डिवाइड कर लेते हैं, दोनों साइड में डिवाइड करके ड्रॉ करते हैं। अगर आपके कॉलेज में दोनों साइड में डिवाइड करा के ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, और अगर आपके कॉलेज में सिर्फ एक साइड में डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कोई भी वे से ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन जो है वो एक ही बनता है, ठीक है। तो चलो अब हम Q1 का लेंथ कंपास में ले लेंगे, काफी बड़ा लेंथ है ये, तो ये हमने Q1 का लेंथ कंपास में ले लिए और अब कंपास का सेंटर आपको A और B पे रखना है। देखो कंपास का सेंटर हम A पे रख देंगे और कंपास का सेंटर A पे रख के क्या करना है, अपोजिट साइड में ये जो फर्स्ट आर्क आपने बनाए थे वो आर्क पे कट करना है, ठीक है। तो ये देखिए कंपास का सेंटर हमने A पे रखे और अपोजिट साइड में जो फर्स्ट आर्क बनाए थे ये देखिए ऊपर नीचे वहां पे हम कट कर रहे हैं, ठीक है। और अब उतना ही लेंथ Q1 का उतना ही लेंथ हमें क्या करना है, कंपास का सेंटर B पे रखना है और अपोजिट साइड में ये जो फर्स्ट आर्क आपने बनाए थे वो आर्क पे कट करना है। तो ये देखिए कंपास का सेंटर हम B पे रखेंगे और अपोजिट साइड में ऊपर नीचे हम यहां पे ऐसे कट कर लेंगे, तो ये कट हो चुका है, ये देखिए, ठीक है। और अब हम कंपास का सेंटर अब एक काम करेंगे, Q2 का लेंथ लेंगे, Q2 पहले हमने Q1 का लेंथ लिए थे, अब हम ये Q2 का लेंथ लेंगे, ये देखिए ये हमने ले लिया Q2 का लेंथ और अब कंपास का सेंटर फिर से A और B पे रखते हुए कंटिन्यू करना है। ये देखिए Q2 का लेंथ, कंपास का सेंटर हम A पे रखेंगे और अपोजिट साइड में सेकंड आर्क जो बनाए थे ऊपर नीचे, ये देखिए सेकंड आर्क पे कट करना है, ठीक है। ये देखिए हमने कट किए सेकंड आर्क पे, उतना ही लेंथ Q2 का, कंपास का सेंटर B पे रखना है और अपोजिट साइड में सेकंड आर्क पे कट करना है। तो ये देखिए उतना ही लेंथ कंपास का सेंटर एंड B पे रखें और ये हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे यहां पर कट कर रहे हैं, ये देखिए यहां पे क्रॉस हो चुका है। इसी तरह से हम Q3 का लेंथ और Q4 का लेंथ लेंगे और फिर से A और B पे रखते हुए सेम यहां पे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे।
तो हमें यहां पे सभी तरह के पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये देखिए यहां पे सभी तरह के पॉइंट्स जो है ये जो मिले हैं बस इनको हमें ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिलेगा वही रहेगा एलिप्स। और ये ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे तो चलेगा, या तो आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ्रेंच कर्व का यूज करके बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत अच्छा स्मूथ कर्व आएगा। अभी फिलहाल बोर्ड पे हमें ये ड्रॉ करने के लिए इतना बड़ा फ्रेंच कर्व नहीं है, तो फिलहाल हम यहां पे फ्री हैंड ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने फाइनली एलिप्स यहां पे कंप्लीट कर लिया है, और ये फिलहाल हमने पूरा फ्री हैंड बनाया है। ये बहुत अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व तो ये बहुत अच्छा बनेगा और काफी स्मूथ कर्व बनेगा। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमने पूरा सोल्यूशन बना दिए। मेजर एक्सिस का लेंथ 120 mm है, वो हमने यहां पर मेंशन किया है। माइनर एक्सिस का लेंथ दिया नहीं था, लेकिन आप चाहे तो माइनर एक्सिस का लेंथ फाइंड आउट करके रिजल्ट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ एलिप्स ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो ये हमने कंप्लीट एलिप्स यहां पे ड्रॉ कर लिए। क्वेश्चन में कहीं पे भी टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप चाहे तो आप यहां पे टेंजेंट एंड नॉर्मल शो कर सकते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे शो करना वो हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में बताए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहां क्वेश्चन में नहीं लिखा था, इसलिए हमने फिलहाल यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ नहीं किया है, सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपने बुक में याद से ड्रॉ करके देख लेना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेमी डायरेक्ट ड्रॉ करना है, एलिप्स जो है वो आपको डार्क ड्रॉ करना है, और रिमेनिंग जो आर्क वगैरह हमने बनाया है वो आपको फेंट ड्रॉ करना है। डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप एच नंबर का पेंसिल यूज करेंगे, और फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 4H नंबर का पेंसिल यूज करेंगे। तो यह था एलिप्स का आज का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।